everyone, myself Munawwar from Advance. Our website name is www.advancestudy.in. You can also subscribe to our channel. Now this is the first video of class 10. The chapter name is Chemical Reaction and Equations. ये chemical reactions क्या होती हैं? आप ये समझो. देखिए, अगर कोई एक substance दूसरे substance में form हो जाए तो वो एक केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन नहीं. इसका हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? सपोज करिए डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन. आप समझिए रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन. आप ब्रीदिंग करते हैं केमिकल रिएक्शन है. काफी सारी कुकिंग करते हैं, कुकिंग केमिकल रिएक्शन है. आपका मिल्क कर्ड के फॉर्म में हो जाता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. काफी सारी तरीके केमिकल रिएक्शन हमारी डेली डे टू डे लाइफ चलती आ रही है. चलो, तो हमने क्या समझा? केमिकल रिएक्शन. इसका हमने क्या समझा? जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाए दूसरे सब्सटेंस में तब वो हमारे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एग्जांपल हमने काफी सारे इसके भी जान लिए. ठीक है, ये नोट करने वाली बात है. चलिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो जाती है इस बात को जानने की कोशिश. देखिए, सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है तो उसका हमारे पास कुछ एग्जांपल यानी कुछ क्राइटेरिया है उसे समझने के लिए. तो हाँ है, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है? आप समझिए, वो चेंज अपनी स्टेट कर लेगी. यानी कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड है तो गैसियस स्टेट में हो जाएगी, अदरवाइज वो दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो सकती है. तो हम मान सकते हैं वो केमिकल इक्वेशन पूरी हो चुकी है. और वो अपनी हीट चेंज, उसमें हीट इवॉल्व हो सकती है और टेम्परेचर उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है, उसमें साउंड क्रिएट हो सकती है. तो हमारे वो सब क्या कहलाएंगे? केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगे. और काफी सारी हम जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में. ठीक है, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग जाने, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर. चेंज, देखिए चेंज इन कलर बहुत बड़ी बात है. अगर कोई भी चीज आपकी उसका कलर चेंज हो जाए तब भी आप क्या मानेंगे? वो एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है. ठीक है, नेक्स्ट. देखिए, अगर कोई भी इक्वेशन है हम उसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे? लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं. सपोज करिए कोई ए और बी हमारे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. इसमें ए प्लस बी रिएक्ट करेंगे तो ये हमें इट गिव्स कर रहे हैं सी प्लस डी. फॉर एग्जाम्पल मान सकते हैं हमारे पास वाटर वाटर है और दूसरी चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है तो वो कैसे हम मान लेंगे? बी रिएक्शन. ठीक है, आप ये जानते हैं ये जो साइड होती है ये हमारे रिएक्टेंट साइड होती है. क्या होती है? हमारी रिएक्टेंट साइड होती है. ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये दोनों चीज हमारी क्या है? ये प्रोडक्ट बनकर आ गया, सम प्रोडक्ट बने. ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तब जाकर ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक, तो आपने जाना यहाँ पे नई चीज आपने जानी, जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे उन्हें हम उस साइड को हम रिएक्टेंट साइड बोलेंगे और जो दूसरी साइड होगी वो हमारी प्रोडक्ट साइड. अंडरस्टूड? ठीक है, और कब सर इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं. अब एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it known as chemical equation. अगर किसी भी equation में हमारे chemical formula उसमें apply होता है, जैसे कि आपने class 9 में पढ़ा था magnesium के लिए आप कौन सा chemical formula use करते हैं? वो है नाम इसका Mg. ठीक है, और oxygen के लिए O2. तो ये हमें देता है magnesium oxide 2MgO. अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. आगे चलकर हम बैलेंसिंग सीखेंगे. चलिए, बैलेंसिंग के बारे में हम बताते हैं. हमारी इक्वेशन दो तरीके की होती है, केमिकल इक्वेशन. इन दोनों के टाइप्स, ये किस टाइप से केमिकल रिएक्शन होती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है और एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है. जैसे कि सपोज करिए इसी इक्वेशन को मैं लेता हूं,
एम जी प्लस ओ टू, इसने हमें क्या दिया एम जी टू। तो ये इक्वेशन क्या बैलेंस है, आपको बैलेंस देखने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम को देखिए यहाँ पर कितना है वन, और इधर देखिए कितना है यहाँ पर भी वन, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना है टू, और लेकिन यहाँ पर क्या है वन। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस रिएक्शन होगी, लेकिन जब आप इसे देखते हैं आपने इसे बैलेंस करा टू एम जी प्लस ओ टू इट्स गिव्स टू एम जी, अब आप यहाँ पर रिएक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। आपने देखा टू एम जी, यहाँ पर एम जी के लिए यानी कि मैग्नीशियम के लिए टू मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम के लिए टू मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के लिए टू मॉलिक्यूल्स है, और जब आपने इसको देखा तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर भी टू मॉलिक्यूल्स है। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, देखिए केमिकल रिएक्शन वही होगी जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दूसरी सब्सटेंस में, ठीक है। आपने एक साइड पढ़ी रिएक्टेंट और दूसरी साइड प्रोडक्ट, आपने सिंबल्स की फॉर्म में जानने की कोशिश करी, ये आपको ये सिंबल नहीं है आपका, ये आपका लैंग्वेज फॉर्म है, इसे आप लैंग्वेज में बोल सकते हैं इक्वेशन हमारी मैग, आप इसे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह आपकी सिंबल फॉर्म होगी, यह आपकी कौन सी फॉर्म होगी सिंबल फॉर्म। और हमने केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स की पढ़ी, केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स की कौन कौन सी होती है, पहली बैलेंस्ड और दूसरी अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कौन सी होगी, जो इक्वेशन के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर होंगे तो हमारी कैसे होंगी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, एंड दूसरी हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन को देखिए आप, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको किसका आपने केमिकल नेम पढ़ रखा है, ये क्या है जिंक और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसने हमें क्या दिया जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन। आप मुझे ये बताइए ये जो इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, तो आइए चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर जिंक के रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर वन मॉलिक्यूल है, और इधर भी जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी वन मॉलिक्यूल है। आपने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के पास टू मॉलिक्यूल्स है इधर भी और इस साइड भी, सल्फेट के पास फोर मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी सल्फेट फोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी कैसे है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब अनबैलेंस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी सी इक्वेशन एच टू प्लस ओ टू इट गिव्स एच टू ओ, एच टू यानी कि हाइड्रोजन, ओ टू ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर। आपने केमिकल फॉर्मूला वाटर का पढ़ा रखा है H2O, आप लोग जानते हैं H2O वाटर, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है यानी कि जलता है, हाइड्रोजन एक गैस है, ये हमारे लिए गैस है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए एक गैस है, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जब जल जाता है तब हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये क्या जाना ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, तो आपको देखने के लिए क्या फोकस करना पड़ेगा हाइड्रोजन पर यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं टू और इधर भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं टू, ऑक्सीजन के लिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं टू लेकिन यहाँ पर कितने हैं ओनली वन। तो आपको इसे अगर बैलेंस करना होगा तो आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को बैलेंस करना होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी के लिए एक टेबल बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और इधर प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट का नेम क्या है हाइड्रोजन, सबसे पहले एलिमेंट का नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हमने इसका नेम लिया, ठीक है। ऑक्सीजन ओ,
आप लोग सोचेंगे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन पे 2 लिखा है और इधर क्यों नहीं लिखा मैंने 2, तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन को ये आयंस बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 आयंस है, बट यहाँ पर एलिमेंट का नेम हाइड्रोजन है इसलिए हमने ऐसे पढ़ा। हाइड्रोजन के पास ये साइड, अभी हमने कौन सी साइड बताई, ये साइड रिएक्टेंट साइड है, अभी हमने बताया था आपको ये साइड रिएक्टेंट साइड कहलाती है और दिस साइड इज प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। ऑक्सीजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन के पास ओनली 1। तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करो, ठीक है। आप यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए 2 है और इधर भी हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। आपको O को 2 बनाना है क्योंकि इधर कितना है, O2, ठीक है। O को 2 बनाने के लिए यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग ये मत कहना कि ये 2 की मल्टीप्लाई आपने यहाँ क्यों नहीं कराई, आप ये समझिए हमेशा मल्टीप्लाई पूरी नंबर की, पूरे कंपाउंड की, पूरे कंपाउंड की मल्टीप्लाई होती है। 2 की मल्टीप्लाई H2 से करी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर H2 प्रोडक्ट साइड में, अब यहाँ पर 4 हो गया क्योंकि 2 2 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 1, अब यहां पर आगे कितना हो गया, 2, ठीक है। लेकिन अब फिर चेंजिंग हो गई, यहां पर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4, और इधर रिएक्टेंट साइड में कितने रह गए, ओनली 2। तो आपको ये समझना होगा यहां पर फिर इससे 2 को 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये भी कितना हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ये ऑलरेडी 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन इस साइड भी 4 और इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ये बैलेंस। अब बात ये आती है कि आप लोग एक केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे बता सकते हैं, तो वो अच्छे तरीके से ऐसे बता सकते हैं आप, जैसे कि हमने लिया है लिक्विड के लिए, जैसे कि सॉलिड के लिए मान लेते हैं, सॉलिड के लिए S का यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L का यूज करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस के लिए हम EQ यूज करते हैं, और सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए हम जी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस इक्वेशन को और अच्छे तरीके से बताना है इक्वेशन कैसी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये एक गैस की फॉर्म में है और ये ऑक्सीजन, ये भी गैस की फॉर्म में, लेकिन जब हमें वाटर मिलता है तो ये लिक्विड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट, थैंक यू।